हेलो दोस्तों, पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 22 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाली है अपना आखिरी बैच लेने के लिए और जाने वाली है खुफिया गुफा में, जहाँ पे हमें शायद मिल सकता है कोई लेजेंडरी पोकेमोन। तो चलो जल्दी से चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे तो एक जिम है। अरे ये तो ताकेशी है। अरे इस ताकेशी की तो बैंड बजाते हैं, बहुत ज्यादा बनता है ना अपनी बॉडी दिखा के। अरे ये कौन आ गया साइड में? मैं तुम्हें हरा दूंगा। तू हराएगा मैं पिकाचू ज़िपी ज़ैप अटैक। अरे तो एक शॉट में ही मर गया, कैसा नूबड़ा है और हमसे लड़ने चला था। हट यहाँ से। तुमने मेरे भाई ताकेशी 2 को हराया, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास उससे भी तगड़ा पोकेमोन है। तेरे तगड़े पोकेमोन को भी वन शॉट हरा देगा मेरा पिकाचू। ये कैसे हो गया? चल अब तू आ जा, तू भी है ना। मैं इन सबका सबसे बड़ा भाई हूँ और मैं तुम पे कोई रहम नहीं खाऊंगा। अरे मैं तुझ पे कोई रहम नहीं खाऊंगा। ये ले तेरा ये पोकेमोन भी वन शॉट गया। ये कैसे हो रहा है? मैं कैसे हार गया इतनी जल्दी? अरे यार चलो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पे रूल है, अगर कोई हमारे पूरे जिम को हरा दे तो यार मेरे पास 2 पोकेमोन है, तुम इनमें से कोई एक चुन लो। एक है हिटमॉनली जो कि लाते मारता है, दूसरा है हमारे पास हिटमॉन चैन जो कि घुसंड मारता है। देख लो तुम्हें कौन सा पोकेमोन चाहिए। ओए मैं तो कह रहा हूँ घुसंड वाला लो, लात वाला तो लात पे क्या ही करेंगे, घुसंड से ज्यादा लगती है। देख ग्लव्स भी पहने उसने। अरे दोस्तों मेरे को भी यही लगता है कि हमें हिटमॉन चैन लेना चाहिए ना कि हिटमॉनली, क्योंकि हिटमॉन चैन तो हिटमॉनली में इवॉल्व भी हो सकता है और हिटमॉन ली तो आराम से मिल भी जाएगा कहीं सड़क पे पड़ा हुआ, लेकिन हिटमॉन चैन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है या फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हिटमॉन चैन को चुनते हैं। तुमने हिटमॉन चैन को चुना है, बड़ा सही डिसीजन लिया तुमने वैसे। थैंक यू यार। चलो अब निकलो यहाँ से, मेरे जिम को हरा दिया, मेरी बेइज्जती करवा दी, मैं का लीडर था, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करेगा। दोस्तों हम मैप देख रहे थे थोड़े दिन पहले, वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी जगह दिखी मुझे मैप पे जहाँ पे हम लोग नहीं गए। और कौन सी जगह दिखी तुझे? ये देखो दोस्तों पावर प्लांट, यहाँ पे जाना कैसे है? दोस्तों ये लेवेंडर टाउन के साइड से है, तो चलो एक काम करते हैं लेवेंडर टाउन चलते हैं और वहाँ से जाते हैं। दोस्तों यार यहाँ से राइट पे जाए कैसे? ए यार जगह ही नहीं मिल रही। मैप के हिसाब से तो हमें राइट जाना है लेकिन जाए कैसे? दोस्तों एक काम करते हैं, इस गुफा के थ्रू जाने का ट्राई करते हैं। दोस्तों चलो इस गुफा के हम लोग बाहर आ गए, जाना कहाँ पे है? अरे यार यहाँ से भी कोई राइट नहीं दिख रहा। अरे लेकिन यहाँ पे तो पानी है, पहले हम यहाँ पे पानी में नहीं चल पाते थे इसलिए हम कभी यहाँ से जाने का हमने ट्राई नहीं किया। ए हाँ तो सही कह रहा है। हाँ चलो सर्फिंग करके जाके देखते हैं शायद यहाँ से हम जा पाए। वो दोस्तों चलो। अरे दोस्तों गिरा वो पावर प्लांट जो हमें दिख रहा था मैप पे। अरे यार भाई मसाओ तू तो बहुत समझदार है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आज तक कोई आया होगा। हाँ क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा ना पानी के थ्रू सर्फिंग करके यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ वैसे तेरी बात बिल्कुल सही है, ये पावर प्लांट बनाया किसने होगा? और किसने टीम रॉकेट नहीं बनाया होगा, ऐसी घटिया जगह पे ऐसी जगह वो ही बनाते हैं। हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल जैक भैया की। अरे दोस्तों यहाँ पे तो कोई आंटी है। अरे लगता है वो खड़े खड़े सो रही है, उसे हम दिखे नहीं। ए आगे चलते हैं। चलो दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का माहौल बन रखा है। हाँ यार दोस्तों यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक पोकेमोन मिल सकते हैं, मैं बहुत तगड़े तगड़े। यार कौन सा मैक्सिमम तगड़ा मिलेगा हमें? अरे दोस्तों पीछे देखो, ये इलेक्ट्रॉन बस है, ये इलेक्ट्रिक शॉक मार के किसी भी बैंड बजा सकता है। तो दोस्तों इसे पकड़ती है पोकेबॉल, जाओ। अरे भाई शिनचैन वाह तूने बिल्कुल एक्सीलेंट बॉल फेंकी, अब तो पकड़ में आ जाना चाहिए। हाँ यार अब तो आ जाएगा, आ गया। यस मुझे नहीं लगता यार यहाँ पे और कुछ तगड़ा होगा यार, इलेक्ट्रिक है तो क्या इतने इलेक्ट्रिक पोकेमोन कोई तगड़े तगड़े है ही नहीं, पिकाचू है सबसे तगड़ा, वो तो हमारे पास है ही। हूँ तेरी बात तो सही है लेकिन चेक करने में क्या जाता है ना, क्या पता कुछ और बढ़िया मिल जाए चीज कोई। ओए हमें थंडरस्टोन मिल गया, देख देख मिल गया ना कुछ। अरे इससे तो हम पिकाचू को राइचू में इवॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट से बताना कि हमें पिकाचू को राइचू में इवॉल्व करना चाहिए कि नहीं। और दोस्तों वहाँ पे कौन सी पंछी लहरा रही है पर? अरे ये कौन है? ये पोकेमोन के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, ये बस इतना पता है कोई लेजेंडरी बर्ड है। लेजेंडरी बर्ड? दोस्तों क्या हम इतने लकी है कि हमें 2 लेजेंडरी बर्ड्स मिल सकती है, क्योंकि हमने एक आर्टिकुनो पकड़ी है और कहीं ये। दोस्तों ये तो ज़ैपडोस है। ए दोस्तों ये तो भड़क गया है, तो हमसे लड़ना चाहता है। यार हमारा कोई पोकेमोन इतना ताकतवर है भी जो इससे लड़ पाएगा? चारिज़ार्ड यार फिर भी थोड़ा तगड़ा लगता है। अरे चारिज़ार्ड को तो वन शॉट मार दिया। अरे ये क्या कर दियो, चारिज़ार्ड वापस आओ। जाओ पिकाचू और बैंड बजा दो इस ज़ैपडोस की, पिकाचू ज़िपी ज़ैप अटैक। बहुत बढ़िया पिकाचू यार, हम कर सकते हैं ये। पिकाचू बस एक और मूव मार रहा है। अरे यार उसने ड्रिल पैक मार दिया। पूरी पिकाचू तो मर गया, पिकाचू वापस हो। ए यार पिकाचू तो हमारा सबसे तगड़ा पोकेमोन है, उसको भी मार दिया। जाओ विनसोर। वो ये तो फिर से ड्रिल पैक कर रहा है और इसने फिर से विनसोर को मार दिया। विनसोर यार तुम भी वापस आओ। ए यार ये क्या कर रहा है, सबको ड्रिल पैक से मार देगा। मैगमार यार तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैगमार
फ्लेम थ्रोअर अटैक। ए यार ये फिर से ड्रिल बैक मार रहा है, इस बार हेल्थ बहुत कम होगी। फायर पंच अटैक। अरे फायर पंच है तो बहुत ज्यादा हेल्थ कम होगी उसकी। उरियो और कम हो रही है, देख वो बर्न हो चुके है और उससे उसकी हेल्थ और डाउन होती जा रही है। ए यार ये तो इसका बहुत ही तगड़ा मूव था इस हिसाब से। उरी मैं एक बार भी मर गया यार, मैं एक बार वापिस आओ। यार मुझे नहीं लगता हम इसे पकड़ पाएंगे क्योंकि अब तो हमारे पास गैराडोस है और ये गैराडोस तो एक वाटर टाइप पोकेमोन है, वो इलेक्ट्रिसिटी के सामने क्या ही टिक पाएगा। जैसा मैंने सोचा था गैराडोस भी चला गया यार, लेकिन आर्टिकूनो और इसकी तो फाइट होनी चाहिए क्योंकि आर्टिकूनो भी तो एक लेजेंडरी बर्ड है। भाई मुझे नहीं पता क्योंकि वो भी एक आइस टाइप पोकेमोन है और मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मैक्स रिवाइव कर देता हूँ मैगमार को क्योंकि वही टक्कर दे पाया अभी तक ज़ैपडोस को। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? अरे और वो तो उसने इतनी इलेक्ट्रिसिटी मारी कि आर्टिकूनो वन शॉट मर गया जबकि वो खुद एक लेजेंडरी बर्ड है। यार ये ज़ैपडोस तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर लेजेंडरी बर्ड है। एक काम करते हैं अब भेजते हैं मैगमार को। अरे और मैगमार जितवा देगा यार। यार इसने लाइट स्क्रीन अटैक किया जैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैगमार फायर पंच अटैक। अरे अरे वो वन एचपी में बच गया। नहीं देख भाई वो जो बर्न हुआ उससे उसके वन एचपी भी हट गया। तो हम इसे पकड़ सकते हैं। ए लेकिन इतना आसान नहीं होगा इसको पकड़ना। याद है आर्टिकूनो पे हमें कम से कम 100 पोकेबॉल्स फेंकनी पड़ी थी और ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अरे और एक तो ये झटके भी मार रहा है। यार दोस्तों हमें फेंकना तो पड़ेगा इसलिए मैं इसको थोड़ी बहुत बेरीज दे रहा हूँ ताकि ये आराम से पकड़ में आ जाए। यार हमें अच्छी एक्सीलेंट थ्रो मारनी पड़ेगी जैसे आर्टिकूनो पे मारी थी। भाई यार मेरे को लग रहा है कम से कम 20-30 एक्सीलेंट थ्रो मारनी पड़ेगी। अरे मैं तो इसको गोल्डन रास्पबेरी दे रहा हूँ और इसने गोल्डन रास्पबेरी जला दी। भाई कितना खड़ूस है। ओए इसके तो मैं तोड़ू मुंह अभी। अल्ट्रा वॉल फेंक दी, नाइस। अब बोलो अब आराम से आ जाना चाहिए ये। यार काश आ जाए आराम से। अरे यार ये तो बाहर आ गया। दोस्तों एक काम करते हैं सिल्वर रास्पबेरी खिलाते हैं इसे, फिर शायद ये मान जाए। अरे उसने खा ली इस बार। ओए अब मैं पोकेबॉल फेंकता हूँ फिर से। ओए ओए यार यार आ तो जाना चाहिए, फेंकी तो है अल्ट्रा बॉल। यार ये तो बाहर आ गया। ओ यार कैसे पकड़े इस इलेक्ट्रिक बर्ड को? अल्ट्रा बॉल मैंने ग्रेट फेंक दी। ए यार बाहर आई जा रहा है, क्या है यार इसे? दूसरे काम करते ग्रेट बॉल ट्राई करते हैं। वैसे अल्ट्रा बॉल में नहीं आया तो ग्रेट बॉल में क्या ही आएगा। ओ यार लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं। यार काश अजय पकड़ में आ जाए। अजय 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 अरे यार ये तो फिर बाहर आ गया। अरे यार इसको कितने झटके मारने हैं, मेरे को गुस्सा आ रहा है अब इस पे। दोस्तों मैंने ग्रेट बॉल ग्रेट फेंक दी। अरे यार ये मसाला तो काम कर जाना चाहिए। ए यार ये मसाला भी काम नहीं आया। दोस्तों सब साइड हट जाओ, मैं फेंकता हूं अपनी बेस्ट थ्रो। यस मैंने एक्सीलेंट फेंक दी। ओए आर्टिकूनो तो आ गई थी, ये क्यों नहीं आई? अरे दोस्तों हमारे पास मास्टर बॉल है, याद है उस बुढ़े अंकल ने दी थी, वो फेंक के देखते हैं इस पे। अरे दोस्तों यार वो साइड साइड हट रही है, अगर हमने कहीं और फेंक दी तो वेस्ट ना हो जाए क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बच रही है। चलो यार मैं फेंक रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ए ये क्या बॉल है, ये तो लड़ रही है उससे। हमने ज़ैपडोस पकड़ ली। अरे यार भाई हमारे पास 2 लेजेंडरी बर्ड्स है अब। ए यार हम तो अब भगवान बन चुके हैं, हमारे पास 2 लेजेंडरी बर्ड्स है और लोगों के पास 1 लेजेंडरी पोकेमोन भी नहीं होता है। दोस्तों हमें जल्दी से बाहर जाना होगा। अरे यार ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर रही है क्या ये ज़ैपडोस? ओ यार ये इलेक्ट्रिसिटी प्लग दे। भाई क्यों रुक गया? अरे यार भाई मैं तो अभी भी खुद को लगी फील कर रहा हूँ। गाइस इसी बात पे हर बंदा 1000 बार लाइक कर दो क्योंकि भाई 2 लेजेंडरी बर्ड्स लेना बहुत ही मुश्किल की बात है। ए हाँ अब हमारे पास 2 भी रहना पूरी जिंदगी तो भी मैं खुश रहूंगा कि भाई हमने पोकेमोन जर्नी में कुछ तो किया। यार तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, चलो अब अंदर चलते क्योंकि हमारे पास अब मार्श बैच भी है ना। वो पिछली बार तो उन्होंने मार्श बैच के चक्कर में हमें बाहर निकाल दिया था। ये ले भाई अपना मार्श बैच, तुम्हारे पास मार्श बैच है तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है यार जाने दे बस हमें। चलो दोस्तों अब तो लैंड आ गया, यहाँ पे लैंड पर चढ़ जाते हैं जल्दी से। दोस्तों क्या लगता है हम सब कौन सा बैच मांगेंगे? तुम्हारे पास क्या वोल्केनो बैच है? हाँ तुम्हारे पास है, चलो तुम आगे जा सकते हो। अच्छा वोल्केनो बैच ये तुम्हारे पास था दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अरे दोस्तों लगता है हम पहुंच गए। ए आखिरी गार्ड खड़ा है, ये किस लिए खड़ा है? क्या तुम्हारे पास अर्थ बैच है? नहीं है। ये अर्थ बैच नहीं है हमारे पास। ओए हम लोग डायरेक्ट वरदान सिटी में क्यों आ गए? यार ये गेट क्यों नहीं खुल रहा? क्या पागल सा गेट है, खुल क्यों नहीं रहा? मैं जिम बैटल कैसे करूंगा और अपना आठवां बैच कैसे लूंगा? ये क्या घटिया जगह है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। वै 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 वै। मुझे लगता है ये नहीं खुलेगा। अरे अरे शिंचन तुम भी यहाँ पे आ गए। अरे तुम पे कितने बैच है अब? मेरे पास तो 7 है। अच्छा तुम्हारे पास भी 7 है, मेरे पास भी 7 है, बट मुझे नहीं लगता हम आठवां बैच जीत पाएंगे क्योंकि देखो यार ये जिम तो बंद है। मुझे लगता है हम लोग हार गए हैं, मुझे लगता है प्रोफेसर ओक से पूछना चाहिए। चलो यार फिर पैरट टाउन चलते हैं और जल्दी से प्रोफेसर ओक से पूछते हैं। अरे ब्लू तुम भी आ पे हो? बच्चों मैंने तुम्हें इतने सालों बाद देखा, कैसे हो तुम लोग? ये देखो ये है ब्लू,
मैं इन सबसे मिला हूँ अंकल। अच्छा तुम मिले हो? हाँ मैं मिला हूँ। मैं तुम लोगों को देता हूँ एक स्टोन जिससे तुम मेगा इवॉल्व कर सकते हो। बच्चो ये मेगा इवॉल्व करने वाला स्टोन दे रहा है तो ले लो। बच्चे तुम उससे अपना चार्जार्ड ब्लास्टोइस और वीनासोर अगर तुम्हारे पास है ये सारे तो तुम उसे इवॉल्व कर सकते हो। अरे भाई साहब थैंक यू यार, अब हम चलते हैं जल्दी यहाँ से। मुझे पक्का यकीन है तुम उस जिम वाले लीडर को हरा दोगे और वो जिम को हमेशा के लिए खुलवा दोगे। ओए दोस्तों एक काम करते हैं, अपनी मम्मी से तो मिल जाते हैं। हाँ यार चलो मिल लेते हैं। अरे बच्चे तुम इतने साल बाद आई यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। चलो जाओ और हरा दो जिम लीडर्स को। थैंक यू यार मम्मी। यस दोस्तों हम जिम के अंदर आ गए। चलो इस रेफरी से पूछते हैं कि रूल्स क्या हैं। यहाँ पे कोई रूल्स है भी? होंगे तो सही यार रूल्स तो। यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रूल है कि आपके पास 7 बैजेस होने चाहिए और तुम्हारे पास 7 बैजेस हैं तो तुम क्वालिफाइड हो इस जिम में लड़ने के लिए। बाकी इस जिम का लीडर कौन है वो मुझे खुद नहीं पता। भाई हम पता लगा लेंगे। यार ये क्या है? ए यार जाए कैसे, यहाँ पे तो पजल बना रखी है पूरी। ये पागल सा जिम लीडर पजल बना के रखा है। ऐसी पजल तो यार हमने टीम रॉकेट के बेस में देखी थी यार। यहाँ पे भी वो घटिया सी पजल लगा दी है भाई, मेरा दिमाग घूम रहा है अब। ओ यार चलो यार, अगर आज इधर से जाएंगे तो नीचे ही पहुँच जाएंगे, इसलिए हमें इसके सामने से ही जाना पड़ेगा। मुझसे लड़ोगे नीडो किंग? जाओ चार्जर्ड जाओ। और चार्जर्ड के इस समय पास है मेगा एवोल्यूशन चार्जर्ड एम्बर अटैक। ए एम्बर अटैक से तो उसकी काफी हेल्थ कम हो गई। मेगा ऑल अटैक मार दो। दूसरे काम करते हैं मेगा एवोल्यूशन एक्स करते हैं चार्जर्ड के ऊपर। ठीक है जल्दी से करते हैं मेगा एवोल्यूशन एक्स और अटैक करते हैं ड्रैगन रेज। ए इस नीडो किंग की हेल्थ काफी कम हो गई। तुम मेरे मेगा ऑन मार दो और इसकी बैंड बजा दो। यार मेगा ऑन से तो कुछ नहीं हो रहा, विंग अटैक मार दे। 200 विंग अटैक से तो उसे बहुत कुछ हो गया। ए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मेरा सबसे तगड़ा अटैक है। अरे अर्थक्वेक से तो बिल्कुल चार्जर्ड मर गया। उरी जोर जोर वापस हो जापडोस जाओ। अरे तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमोन है मेगा ऑन अटैक। अरे मेगा ऑन से तो कुछ भी नहीं हुआ जापडोस को। मेगा ऑन से 100 गुना तगड़ा ड्रिलिंग अटैक देख ले, ड्रिल पैक। यार अब कहाँ जाना है? यार इसी से ट्राई करते हैं यहाँ से तो। अरे 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 हम घूमने जा रहे मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं। तुम तो इसके सामने आ गए। कोई नहीं दोस्तों, ये तो हैरे हैरे लोग हैं, नहीं तो हम ऐसे ही हरा देंगे। जाओ नीडो रेनो। मुझे लगता है दोस्तों हमें मैगमार को भेज देना चाहिए। ठीक है वो मैंने भेज दिया मैगमार को फ्लेम थ्रोअर अटैक। पूरी फ्लेम थ्रोअर अटैक ने तो बैंड बजा दी इसकी। ये क्या किया? एक और फ्लेम थ्रोअर। अरे मौका तो दो हमें मारने का। ये सबने नीडो रेनो को मार दिया। अरे भर मेरे पास एक और पोकेमोन है, जाओ रायोन। अच्छा रायोन है तेरे पास? ये ले फ्लेम थ्रोअर अटैक। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ मेरे रायोन को। अब देखो तुम मेरा ड्रिल रन। अरे यार ये ड्रिल वाला अटैक फिर मार रहे हैं यार। अरे यार इसे मैगमार मर गया, मैगमार वापस आओ। रायोन की तो इजीली बैंड बजा सकता है हमारा विनोसॉर। अब तो इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है। मेगा एवोल्यूशन करके माइंड वेव मारते हैं, देखते हैं क्या बैंड बजेगी। और हमें इसे लड़ना भी नहीं था। मैं हूं ट्रेनर यूजी और मैं भेज रहा हूँ आलू की भुर्जी। जस्ट किडिंग, मैं भेज रहा हूँ डॉक्टरियों को। मैं भेज रहा हूँ आर्टिकूनो को। अरे आर्टिकूनो भाई तुम पे तो लेजेंड्स है। अरे अरे ये क्या मार दिया? अरे वन शॉट डॉक्टरी को कौन मारता है। चलो कोई नहीं मैं भेजता हूँ रायोन को। अब देखो अब तुम फिर मरोगे। अरे 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 इसको भी वन शॉट मार दिया। आइसक्रीम के सामने कोई ना टिका है यार। क्या यार वन शॉट मेरे को हरा दिया, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। तो उससे यार ये काम करते हैं, हमारे पोकेमोन की हेल्थ कम ही होगी और हम बाहर की साइड आ ही गए हैं, तो एक काम करते हैं हेल्थ बढ़वाने चलते हैं। दोस्तों पोकेमोन की हेल्थ बढ़वा के ना वापस चलेंगे। यार ये मास्टर बॉल दिखने में कितनी बढ़िया लगती है गाइस, इसी बात पे लाइक कर दो सब लोग। चलो दोस्तों फिर से चलते हैं बैटल करने के लिए। यार पिछली बार हम गलत कैसे गए थे? अरे दोस्तों यार हम पिछली बार ना ऐसे ऊपर चले गए थे। एक बार इस बार क्या करते हैं ना नीचे की साइड से जाते हैं। पूरी और इस बार हम यहाँ पे रुक के इस साइड से जाके देखते हैं, ब्लू वाली साइड से। अरे हाँ इससे तो हम डायरेक्ट बीच में आ गए। और एक काम करते हैं इसके पीछे से जाते हैं ताकि हमें इस हंटर वाले से लड़ना ना पड़े। अरे बच्चे तुम यहाँ पे भी मिल गए। मैं यहाँ का जिम में काम भी करता हूँ और वहाँ पे ताकेशी जिम भी चलाता हूँ। तू वहाँ पे भी वन शॉट मरता है और तू यहाँ पे भी वन शॉट मरेगा। आर्टिकूनो आइस बीम अटैक। मैं हर जगह वन शॉट क्यों मरता हूँ। चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं जिम लीडर के पास और उसकी बैंड बजाती है। ओए होगा कौन जिम लीडर? अरे ये तो
ये तो जियोवानी है। तू यहाँ पे भी आ गया बुड्ढे। ये बच्चा मेरे बीच फिर से बहुत बोलता है। बच्चे वो तो किसी का होटल था और उससे पहले वो किसी की सड़क थी। ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में मैं ही जीतता हूँ। अपने तगड़े पोकेमोन से तेरी बैंड बजाऊंगा। ये अर्थ जिम है और अर्थ को एक यहाँ पे लाना मेरा काम है। जाओ डॉक्ट्रियो, स्टाइल देख रहा है मेरा पोकेमोन फेंकने का। जाओ आर्टिकुनो। अरे यार तुम्हारी लेजेंडरी बर्ड कोई नहीं, इस लेजेंडरी बर्ड के तो अभी स्लैश मार देंगे बहुत सारे। अच्छा आइस भी मिले और तेरी ये तो तीन डॉक्ट्रियो जैसे घटिया से शक्ल बनाने वाले पोकेमोन है, ये भी मर जाएंगे। अच्छा ये बात, तो फिर जाओ जाओ राइडॉन। राइडॉन की भी वैसी बैंड बजा देंगे आइस भी मंडाक। अच्छा तुम्हें लगता है क्या? वन एचपी पे तो बच गया ना, लेकिन ये लो रॉक स्लाइड। अरे एक रॉक स्लाइड ने तो आर्टिकुनो को जान से मार दिया। वापिस आओ आर्टिकुनो। जाओ सैपडोस। क्या? अरे बच्चे भाई जब भी तुमसे मिलता तुम एक लेजेंडरी पोकेमोन भड़ा कैसे लेते हो? वो छोड़, ये ले ड्रिल पैक अटैक जिससे तेरा राइडॉन भी मर गया। अब तेरे पास सिर्फ दो ही पोकेमोन बचे, तू क्या ही कर लेगा? मैं ना भेज रहा हूँ नीडो क्वीन को और वो तुम्हारी बैंड बजा देगी। अरे अरे इस पर भी ड्रिल पैक मार दिया पर तुम क्रंच नहीं सह पाओगे। क्रंच अटैक। अरे क्रंची तो हिलकम हो गई। एक और क्रंच। अरे यार हमें भी तो चलने दे। तुम्हें चलना है? ये ले ड्रिल पैक अटैक। अरे यार तुम ड्रिल पैक कर रहे हो? कोई ना। अरे 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 हाँ तो हम भी दो लगातार चल सकते हैं। हाँ तो ये लो क्रंच। कोई ना एक और ड्रिल पैक अटैक। अरे 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 भले ही मेरी नीडो क्वीन मर गई हो लेकिन तुम्हारे हिसाब उसकी हेल्थ भी काफी कम हो चुकी है। जाओ चारिजार्ड। तुम चारिजार्ड को भेज रहे हो? जाओ नीडो किंग। हाँ और अब देख बेटी मैं गए इवॉल्व इनटू चारिजार्ड एक्स। तुम्हारा मेगा एवोल्यूशन किसी भी जिम में काम आएगा लेकिन इस जिम में नहीं। हॉर्नटेल। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे एक शॉट में मर गया पूरा चारिजार्ड एक्स भाई। हाँ नीडो किंग से नहीं जीत पाओगे तुम लोग। ये बस अभी भी काफी पोकेमोन है। जाओ वीनसोर। अच्छा कोई नहीं। ये ले लीच हीट अटैक। ये क्या है? इससे तुम्हारी हेल्थ खिंच जाएगी। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक अर्थक्वेक अटैक। उरी एक अर्थक्वेक में तो यार विनसोर की आधी एचपी कम हो गई। टेक डाउन अटैक। अरे इससे कुछ नहीं होता, एक और अर्थक्वेक का। अरे यार इस अर्थक्वेक से तो विनसोर मर गया। उरी और हम क्या करें? ओए काम करते हैं मैगमार को भेजते हैं। मैगमार जाओ होंड्रिल अटैक। अरे इस होंड्रिल से मैगमार भी मर गया भाई। हमारे सारे पोकेमोन एक एक होंड्रिल से मरी जा रही है भाई। ये नीडो किंग कितना तगड़ा पोकेमोन है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा पीकाचू आया है। दोस्तों मुझे लगता है हमें आर्टिकुनो को रिवाइव कर देना चाहिए क्योंकि यार मेरे को नहीं लगता ज़ाब्डोस और पीकाचू सह पाएंगे। हाँ चल मैंने कर दिया रिवाइव यार। अरे लेकिन ये क्या कर रहा है? नीडो किंग ने फिर से अर्थक्वेक कर दिया। पीकाचू सहले यार सहले सहले। उरी और पीकाचू भी वन शॉट मर गया जैसा कि हमने सोचा था। पीकाचू यार वापिस आओ। उरी लेकिन अब हमारे पास आर्टिकुनो है। आर्टिकुनो आ गई। पॉइजन जैब। पॉइजन जैब से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों वो देखो जो लीड सीड विनसोर छोड़ के गया था वो लीड सीड से आर्टिकुनो भी पावर ले रही है। हाँ बहुत बढ़िया, इसी बात पे हमें करना ही होगा आइस बीम अटैक। तुम मुझसे हर बार कैसे जीत जाते हो? चलो इसी बात पे तुम ले लो अर्थ बैज। बच्चे तुम हर बार ज्यादा ताकतवर बन के आते हो, कैसे कर लेते हो तुम? तुम सच में डिजर्विंग हो जीतने के। मुझे तो लगता है तुम पोकेमोन लीग भी जीत जाओगे। तुमने मुझे इतना हरा दिया है कि मुझे नहीं लगता मैं टीम रॉकेट को ज्यादा दिन जिंदा रख पाऊंगा। टीम रॉकेट अब से खत्म हो रही है, आखिरी अलविदा। हो सकता है हम किसी दिन बिना लड़े मिले। यस दोस्तों हम लोगों ने सारे बैच जीत लिए हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तो फिर हो जाए। चलो दोस्तों पोकेमोन लीग करने के लिए चलो। बच्चे तुमने बढ़िया किया यहाँ के जिम लीडर को हरा के, इसलिए अब मैं यहाँ का जिम लीडर बन रहा हूँ। यहाँ पे टीम रॉकेट का खतरा कभी भी ना बने। विरिडियन सिटी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो दोस्तों पोकेमोन लीग की तरफ। ए सबको भार देंगे, सबको डरा के जाएंगे। हाँ यार अब तो हमारी चौड़े हमारे पास दो लेजेंडरी पोकेमोन्स भी है और हमारे पास सारे बैजेस भी है। लोगों ने ऑलमोस्ट पोकेमोन जर्नी खत्म कर दी है। तो कहते क्या हुआ था जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल कर लो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे मैं डालू आप लोगों को चल जाए। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।